Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Sidhharth Arora, and friends, we are continuing with our series This Day That Year. This Day That Year में आज हम लोग 30 दिसंबर 2022 को ये वीडियो बना रहे हैं। तो 30 दिसंबर 2022 को मैं कौन से पॉइंट को कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि ना सिर्फ तुमको एक जनरल ट्रिविया का आइडिया दे बट ऑल्सो टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को खासकर सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो उनको एग्ज़ाम में काम आए। अगर वो आपको एग्ज़ाम में नहीं काम आ रहा, इट इज़ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, जो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी करो। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू एवरी थिंग दैट यू कंज्यूम, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स, एवरी सेल, एवरी एटम ऑफ योर ब्रेन काउंट्स। सो दिस डे दैट ईयर, आज 30 दिसंबर 2022 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब तुम बोलोगे सर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो आज ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वन ऑफ द मेंबर्स एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द लेट के एम मुंशी जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है। 30 दिसंबर, उस उपलक्ष्य में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि आज हम श्री के एम मुंशी जी के जन्म वर्षगांठ के अनुसार मैं उसके साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टोरी आपको सुना दूंगा। सो इसमें आपको बहुत मैसिव एडवांटेज होगा, बिकॉज एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेकिंग पूरा समझ में आ गया, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में आपको ये टॉपिक आ सकता है, आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक आ सकता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये टॉपिक आ सकता है, प्रीएम्बल के फॉर्मेशन में, या फिर सीधा सीधा ट्रिविया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू नो हु वाज द चेयरमैन, हु वर द मेंबर्स एट्सेट्रा। ये सब कुछ आपको इस एक वीडियो से आ जाएगा। ऑल्सो दूसरी बात है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे ख्याल से इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस दैट वी शुड बी नोइंग अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म, हाउ डिड वी एक्चुअली कम अबाउट। इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स के बाद कैसे इंडिया की लाइफ में वो दिन आया जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन, अपना संविधान लिखने का मौका मिला। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और मैं स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझाना चाहता हूँ। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो द वीडियो इज about, actually it is on the birth anniversary of श्री के मुंशी जी, ओके, जिनको उनके पेन नेम घनश्याम व्यास के नाम से जाना जाता था। 30 दिसंबर 1887 को आपका जन्म हुआ, और उसी के साथ साथ इस पूरी स्टोरी में फ्रॉम द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशन बीइंग द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एट वन टाइम ऑल्सो, राइट। लेकिन आज मैं जिस उपलक्ष्य में या फिर मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ वो ये है कि हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दोज मेंबर्स हु वर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हाउ वॉज इट फॉर्म, कैसे बना था, प्लीज डोंट मिस फॉर एनीथिंग, एक एक वर्ड ध्यान से देखना। सो लेट अस पे अटेंशन टू दिस पार्ट और स्टोरी स्टार्ट करते हैं पोस्ट 1935। अब ये क्या हो गया सर, पोस्ट 1935 क्यों? सो 1935 से पहले क्या हुआ था, राइट? उसको वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, दास्तान काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं उसको फिर भी समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, कहीं से भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे यू नो मिलिट्री अलायंसेस के साथ धोखे देकर डिवाइड एंड रूल करके हम लोगों को कॉलोनाइज कर देते। स्टोरी स्टार्ट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, जहां से एक्चुअली ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया, कंपनी राज खत्म हो गया, ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया, वहां से स्टार्ट करते। इंटरेस्टिंग होगा वरना लंबी कहानी हो जाएगी बहुत, एंड वी विल मिस द प्रेशियस टाइम जो कि मैं चाहता हूं कि वी शुड बी डिस्कसिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टोरी, एंड लेट अस पे अटेंशन टू ईच ऑफ दीज पार्ट। सो जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय था, उसने एक प्लान बनाया कि इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस का पार्ट बनाना चाहिए। उसके लिए उन लोगों ने स्टार्ट किया जिनको बोला गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब ये स्टोरी बैकग्राउंड है, तो ये पोस्ट 1935 थोड़ी देर बाद आते हैं। 1861 के बाद 1892 में एक और इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना और फिर 1909 में एक और इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना। ये 1909 वाला इंडियन काउंसिल्स एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। अगर हम इस बात को देखें तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, ऐसा नहीं था। कुछ हद तक इंडियंस को ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, लेकिन कहानी बहुत दूर थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की कहानी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 1909 तक आते आते, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते आते, कहानी अभी बहुत दूर थी। अभी आज़ादी या सॉवरेनिटी बहुत दूर तक हमको दिखी नहीं रही थी। सो दिस वॉज एब्सोल्यूटली नॉट डन। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ तो मेजर हो जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टोरी शायद एक मेजर ट्विस्ट पे आई या फिर एक मेजर टर्न आने लग गया जब महात्मा गांधी इंडिया आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अचानक हमारे बिखरे बिखरे से नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। महात्मा गांधी ने कुछ टेक्निकल और कुछ बहुत ही अलग तरीके से इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड किया। सो व्हेन दे से दैट ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही बोलते हैं ना। हमें बड़े नतमस्तक होकर हमें ये मान लेना चाहिए कि फादर ऑफ द नेशन उनको एक एप्ट टाइटल है, बिकॉज उन्होंने हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत सॉलिड दिशा दिया। उन्हीं दिशा के अनुसार उन्होंने जो डिमांड करनी स्टार्ट की कि हम लोगों को मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो लोग मेरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनको ये बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा होगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है। एक्चुअली जो कॉलोनाइजेशन थी, उस कॉलोनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये था कि जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, जो हमारे वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया था। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए, when there was no legislative council left, ग्रेजुअली सारी सेंट्रलाइजेशन हो गई थी और उसी को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ब्रिटिशर्स का तरीका क्या था मालूम है? वो है ना, हमारे वेलफेयर की बात नहीं सोच रहे थे। उनका इरादा था किसी तरह से इंडिया को ऐसे बिल्कुल पकड़ के कंट्रोल करके रख लो, ओके। इसलिए उसको बोलते हैं कि कॉलोनाइजेशन हुआ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो डिमांड थी कि हमारे प्रोविंसेस को, हमारे राज्यों को, हमारे जो वेरियस अदर गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑटोनॉमी दिया जाए, वो अपने लॉ बना सके या फिर एटलीस्ट हिस्सेदारी रख सके इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी का एक एम था, लेकिन बड़ी बुरी तरह से फेल हुआ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल होने के कारण ही गांधी जी ने लॉन्च किया था द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में मोस्ट ऑफ द रीजंस वाज द फेलियर ऑफ द एंटायर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर तुम्हें मालूम होगा ठीक 8 साल बाद साइमन कमीशन को बुलाया गया। पहले 10 साल के बाद बुलाने वाले थे, फिर 8 साल के बाद 1927 में साइमन कमीशन को बुलाया। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड कि वो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिवाइज करे, देखे कि कुछ उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो एक्चुअली उन्होंने रेकमेंड किया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, लेकिन ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमको एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस दिया, और फेडरेशन स्टेटस दिया, ना ही एक्चुअली उस टाइम तक हम डोमिनियन स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। तब तक पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ले चुका था। अब कमाल का सिचुएशन ये है, आज की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 1935 में ब्रिटिशर्स ने हमें दिया क्या? 1935 में उन्होंने हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, लेकिन फेडरेशंस वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? फेडरेशन स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उस टाइम इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और रादर 2 पॉलिटिकल एंटिटीज के फॉर्म में डिवाइडेड था, जो इंटरनली डिवाइडेड था। एक जिनको हम लोग राज्य या फिर प्रोविंसेस बोलते हैं, एक जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स या फिर रजवाड़े बोलते हैं। जो तुम्हें याद रखने वाली बात यह है कि जो रजवाड़े हैं, राइट, द रजवाड़े जो है वो एक्चुअली कभी भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे ही नहीं। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। कभी भी वो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में वो थे ही नहीं, और उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में एक अरेंजमेंट थी, जिस अरेंजमेंट को बोला जाता था स्यूजरैनिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट से यूज़ किया जाता था। दे हैड एक्सेप्टेड द स्यूजरैनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब ये बड़ी कमाल की चीज हो रही है, एक तरफ से है ब्रिटिशर्स जो कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को डिवाइड एंड रूल करके इंडिया पे राज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ पे हमारे पास कोई सो कॉल्ड यूनिटी नहीं है। एक साइड पे है प्रोविंसेस, एक साइड पर है द प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो है उनको अभी अभी तुमने ऑटोनॉमी दे दी, चलो जी बड़ी खुशी हुई, और जो दूसरा स्टेट था कि जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, जो महाराजा, निज़ाम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नवाब, ये लोग कभी अपनी स्यूजरैनिटी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब कमाल की हेडेक देखो, एक साइड पर है, इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, एक साइड पर है एक सपना कि इंडिया यूनाइट होगा, फेडरेशन बनेगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आएगी, रजवाड़े भी बात मान जाएंगे और हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर अपनी सॉवरेनिटी डिमांड करेंगे। और ऑन द अदर हैंड सिचुएशन ये है कि ब्रिटिशर्स बोले कि यार तुम्हें हमसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए थी ना, हमने दे दी, हमने तुम्हें दे दी। अंग्रेज बोले हमने तुम्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, अब तुम फेडरेशन बनते हो नहीं बनते हो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये राजाओं के हाथ में, ये रजवाड़ों के हाथ में। तो जब रजवाड़ों के हाथ में, वो तो हम है नहीं, ये तुम्हारा आंतरिक प्रॉब्लम है, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। एंड दैट इज वाई ब्रिटिशर्स अपना सो कॉल्ड पल्ला झाड़ के बैठ गए कि जी देखो जो हमसे मांग रहे थे वो तो हमने दे दिया, और तुम लोग नो जो तुम्हारा आपसी मामला है वो तुम खुद सुलझाओ। ये इतना भोले वाले थे नहीं, ये लोग दे वर नॉट दैट भोले जितना लग रहे थे। एक्चुअली इन्होंने 1858 से राजाओं को पटा के रखा हुआ था, पटाना समझते हो, अपीजमेंट करके रखी हुई थी। इन्होंने राजाओं को इतना प्यार, इतनी सारी चीज़ें फेवर की हुई थी उनके लिए। 1919 में एक नरेंद्र मंडल भी बना दिया था विच वॉज द चेंबर ऑफ प्रिंसेस। इनका हमेशा से प्लान था डिवाइड एंड रूल, ओके। ये पहले हर चीज़ में डिवाइड एंड रूल करते थे। ये लोग को मालूम था जब भी नेशनल मूवमेंट कुछ आएगा, कुछ भी नेशनलिस्ट मूवमेंट आएगा, कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ करेगा, तो उस नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ ये लोग राजाओं को यूज़ कर लेते थे। तो राजाओं को जितना मर्जी तुम बोलो, ओ हो आ जाओ हमारे साथ फेडरेशन ज्वाइन कर लो, राजा लोग नहीं आने वाले थे। राजा लोगों ने ना बोल दिया साफ मुंह पे। सो उनको बोला कि देखो, अगर अब तुम्हें उसको बोलोगे तो उसको विलेनाइज नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये कि उनको ये लगा कि यार हमारी तो स्यूजरैनिटी है, हमें प्रैक्टिकली इंटरनल ऑटोनॉमी है, तो हमें क्या प्रॉब्लम। आज की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। 1935 में आकर हम डेड एंड पे हो गए। इसको बोलते हैं, जैसे चेस में खेलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टेलमेट आ गया। स्टेलमेट इसलिए आ गया क्योंकि ना आप जीत रहे थे ना आप तुम हार रहे थे, अब तुम फंस गए, अब तुम बुरी तरह से फंस गए। बिकॉज अब राजा मेरे कंट्रोल में है नहीं, यानी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है, वो गांधी जी की बात सुनते नहीं। राजाओं को ब्रिटिशर्स मिसयूज कर रहे हैं, मुझे मालूम भी है वो मिसयूज कर रहे हैं, तो भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ब्रिटिशर्स का वो जो आंतरिक प्लानिंग चल रही थी, और जब तक हम दोनों मिलेंगे नहीं तब तक हम फेडरेशन बनेंगे नहीं, जब तक हम फेडरेशन बनेंगे नहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं, ना हम डोमिनियन बनेंगे, सॉवरेनिटी तो दूर की बात है। स्टोरी यहां तक आ गई है कि 1935 के बाद फिर क्या हुआ, अचानक स्टोरी बदल गई। सो 1935 के बाद अचानक स्टोरी बदल गई और स्टोरी स्टार्ट हो गई यूरोप में। यूरोप में एक अचानक ही भयानक रूप आया ऑफ द नाज़िज्म। एडोल्फ हिटलर ने वहाँ पर नाज़िज्म, जर्मन एक्सपेंशनिज्म सब कुछ शुरू कर दिया, और वो इस हद तक मिलिटराइज हो गया और इस हद तक उसका एम हो गया कि भाई अब दुनिया इधर की उधर जाए, मैं पूरा यूरोप अपने कंट्रोल में कर लूँगा। उसने जल्दी पहले पोलैंड, फिर ऐसे फ्रांस फटाफट ऑक्यूपाई कर लिया। उसकी मिलिट्री 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएट कर चुकी थी। ब्लिट्ज़क्रीग जो जर्मन वर्ड है ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, एक के बाद एक उसकी पूरी लुफ्टवाफे, जैसे जर्मन एयरफोर्स था, इतने फास्ट उन लोगों ने यूरोप ऑक्यूपाई किया, द वर्ल्ड देखता ही रह गया। आखिरी जो उनका निशान रह गया था वो था इंग्लैंड। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ ब्रिटेन में हिटलर ने बोला ये इंग्लैंड को पहले बर्बाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लंदन पर और इंग्लैंड के बाकी बहुत सारे शहरों पर लगातार जर्मन एयरफोर्स अटैक करती रही। यानी कि पहली बार वो कंट्री इंग्लैंड जो कि पूरे दुनिया पे राज करती थी या फिर राज करना चाहती थी, उसके अपने सर्वाइवल का सवाल आ गया। बोले भैया हमें भी तो कोई बचा लो। ओके, और बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हो गया इन यूरोप। वर्ल्ड वॉर टू को जब तुम पढ़ते हो तो तुम अलग अलग थिएटर्स में पढ़ते हो, बिकॉज ये ऑल द वर्ल्ड वॉर था लेकिन अलग अलग एडवर्सरीज अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के वॉर लड़ रहे थे। जैसे यूरोपियन थिएटर था वैसे ही यू नो अफ्रीकन थिएटर था, वैसे ही एशियन थिएटर था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ एशियन थिएटर में एक और इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, और वो एशियन थिएटर में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही थी वो हो रही थी बिकॉज ऑफ जापान। ओके, सो जापान वॉज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के उस टाइम पर तीन मेन फोर्सेस थे और तीन मेन पोजीशंस थी। एक थी सिंगापुर, एक थी बर्मा जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, और एक ऑफकोर्स इंडिया। नाउ जापान का निशाना बन चुका था कि यार इंग्लैंड को है ना एशिया से हटाना है, और इंग्लैंड को हम लोगों ने यहाँ से हटाकर हमें अपनी एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनानी है एशिया में। नाउ इंग्लैंड को इस बात का पूरा अंदाजा था, इसलिए इंग्लैंड भागते हुए आया। इंग्लैंड के जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगाओ, वो इंडिया के पास आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और नेहरू जी और सब लोगों को मिले और बोले कि हम ना आपको एक ऑफ़र दे रहे। वो तारीख थी 8 अगस्त 1940 को एक ऑफ़र दिया गया, और उस ऑफ़र का नाम था ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। ऑगस्ट क्योंकि वो ऑगस्ट महीने में दिया गया। अब ये ऑफ़र क्या था सर? ये ऑफ़र था एक हाथ लो एक हाथ दो। ये ब्रिटिशर्स की पुरानी आदत थी, अंग्रेज़ों का पुराना हाल था। इसको बोलते क्विड प्रो क्यो। इन अदर वर्ड्स उन्होंने बोला कि तुम ना हमको साथ दे दो, इस वॉर में हमें साथ दे दो, हम जैसे ये वॉर खत्म होंगे हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हाँ, व्यापार चल रहा है इनका। सो ये एक ऑफर था 8 अगस्त 1940 को कि इंडिया तुम ना इंग्लैंड का साथ दो इन दिस वर्ल्ड वॉर, और इस वर्ल्ड वॉर के बाद प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं कि सून आफ्टर और एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इन अदर वर्ड्स आपके बहुत सारी हेडेक्स खत्म हो जाएगी, वरना 1935 में तो आपका स्टेलमेट हो ही चुका है, ना हार है ना जीत है। पहले तो इसको जबरदस्त ऑपोजिशन किया गया, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह वगैरह किया गया, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर लॉन्ग कट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा देश इन्वॉल्व हो गया इन द वर्ल्ड वॉर। तो ये जो फोटोग्राफ तुम्हें दिखाई दे रही है, जो फोटोग्राफ ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्लाइड, वो इंडियन आर्मी के या इंडियन सोल्जर्स, ब्रिटिश इंडियन आर्मी बट इंडियन सोल्जर्स हैं हु आर इन पेरिस, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडियंस एज सोल्जर्स वो पेरिस में गए और वहाँ पर हम एक्चुअली इंग्लैंड के बिहाफ पे लड़ रहे थे। तो ये इंग्लैंड वाले बड़े शोर करते हैं हमने वर्ल्ड वॉर टू जीता, वर्ल्ड वॉर टू जीता, ये लो नालायक वर्ल्ड वॉर टू जीतते। एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे देश के सैक्रिफाइस थे, हमारे सोल्जर्स का सैक्रिफाइस था, वेलिएंट फाइटर्स हमारे थे, इनफैक्ट मटेरियल एंड रिसोर्सेज भी ब्रिटिशर्स ने हमसे लिए। सो दिस वॉज आवर वॉर, ओके, और इट वॉज रादर मेड आवर वॉर, एंड दैट इज वॉट ऑगस्ट ऑफर वॉज। लेकिन इस दौरान तक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। विंस्टन चर्चिल 1939 के सून आफ्टर, राइट, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ना विंस्टन चर्चिल जैसे मर्जी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, ऑब्वियसली अच्छे ही थे उनके लिए तो, लेकिन ये इंडिया के या फिर कॉलोनीज़ के बहुत फेवर में नहीं थे। ही हैड नॉट वेरी गुड व्यूज़ अबाउट इंडिया एंड द कॉलोनीज़ एज सच। दूसरा इशू ये कि उस टाइम तक जापान को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत मेजर फोर्स बन चुकी थी जिसे बोला जाता था द आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब करके रखी हुई थी, बर्मा में स्पेशली, जहाँ पर सिंगापुर में भी बर्मा में भी द इंडियन नेशनल आर्मी ने ये ऑलमोस्ट इंश्योर कर दिया था कि अगर इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट होगा तो जापानीज फोर्सेस विल आउटरन द ब्रिटिश डिफेंसेस बोथ इन सिंगापुर एज वेल एज इन बर्मा। विंस्टन चर्चिल को ये बात का उसको मालूम तो था लेकिन उसने ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया, और जबकि उसने एक वॉर कैबिनेट बनाया हुआ था, लेकिन उसने बहुत टाइम तक वो जो अगस्त ऑफर 1940 का जो हमको ऑफ़र दिया गया था उसको भुला ही दिया गया, उसको कुछ याद ही नहीं रखा। उसने बोला यार अब तो इंडियन सपोर्ट कर ही रहे हैं, अब तो इंडियन आर्म सोल्जर्स घुस ही गए हैं, हमारे मैदान में आ ही गए, अब क्या डरना, बाद में देखते। लेकिन ये झटका याद आने वाला था, इनको ज़्यादा टाइम था नहीं। और उसी सिचुएशन में जो जापानीज़ फोर्सेस ने जब सिंगापुर में अटैक किया, तो ये जो ऊपर वाली फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही होगी, तो इंग्लैंड के तो ईगो पर ऐसी ज़बरदस्त चोट पड़ी, ईगो उनका तो सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया। 1942 में जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है, वो ब्रिटिश फोर्सेस जा रहे हैं जापानीज़ फोर्सेस को सरेंडर करने। बताओ, बड़ा ये मेजर इंसल्ट हुई। ओहो, तो ये तो बड़ा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़ा बुरा हाल हुआ इनका। और इंग्लैंड को तो अब टेंशन होने लग गई। थोड़े टाइम के बाद बर्मा आउटरन होने वाला था। अब अचानक विंस्टन चर्चिल को याद आया कि भाई अगर इनका फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं मिला, बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी। सो वेरी सून आफ्टर दैट, ये जो ऊपर वाली फोटोग्राफ है ये फेब्रवरी 1942 की है, और नीचे वाली जो फोटोग्राफ है वो मार्च ऑफ 1942 की है। मार्च ऑफ 1942 में अचानक अपने वॉर कैबिनेट में से इन लोगों ने फैसला लिया और एक कैबिनेट मिशन बनाकर भेजा इंडिया में, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है द क्रिप्स मिशन, हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोले, अरे आज तुम्हें क्या लगा हम भूल गए थे? हम भूले नहीं थे भाई, हम बिल्कुल नहीं भूले थे। हम तो अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट ऑफर को करने आए। मैं क्या वर्ड यूज़ किया? पहले था वो प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस, अब क्या हो गया? अब ये हो गया फॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट ऑफर, कि जी आपको हमने बोला था ना, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, आ गए हम लोग। और ये फोटोग्राफ तुम देख रहे होंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आए हैं वो महात्मा गांधी से मिल रहे हैं, उनका बड़ा स्वागत किया गया कि चलो वो दिन आ ही गया कि ब्रिटिशर्स को अपना जो वादा किया था अगस्त 1940 में वो पूरा तो होगा। लेकिन क्रिप्स मिशन की कहानी अभी तक स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई वो एक साथ ही होगी। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन अनकंडीशनल ऑफर लेकर नहीं आया था। ये क्या बात हुई? क्रिप्स मिशन ने एक कंडीशन दे दिया कि जी देखो हम ना आपको डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है, प्रोवाइडेड के बशर्ते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो वन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग, ओके, और जो भी कोई और इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज है, सब लोगों ने इसको अग्री करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने एक डोमिनियन दे दिया और फिर तुम्हारी आपसी झगड़ा हो जाए। ना 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 ना, पहले तुम कंसेंसस बना लो, पहले तुम आपसी सहमति बना लो। अगर तुम्हारी आपसी सहमति बनती है तो हम तुमको अलाउ करेंगे, हम तुमको ये ऑफर देंगे और फिर तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन इस टाइम तक हो गया धमाका। क्या मतलब? हमें तो पता ही नहीं था ये होने वाला था। जब क्रिप्स मिशन का ऑफर आया तो एक अलग ही सरप्राइज पैकेज इंतजार कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज लीडिंग मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसने बोला हम तो ये ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोले ना हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करना। बिकॉज अगर उन्होंने क्रिप्स मिशन बोला अगर आप डोमिनियन स्टेटस देना ही चाहते हो, अगर ऐसा है ही आपके मन में कि आप डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हो तो दो, लेकिन एक डोमिनियन क्यों बना रहे हो? दो डोमिनियन बनाओ, एक जिसको तुम इंडिया बोलते हो जो हिंदू मेजॉरिटी होगा, और एक बनाएगा पाकिस्तान जो कि मुस्लिम के लिए अलग से एक देश बनाया जाएगा। ये बात कतई किसी ने सोची नहीं थी। स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बात से खासा एतराज था और ये बात बहुत दूर तक चली जाने वाली थी, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। इन अदर वर्ड्स, कितना मर्जी कन्विंस किया मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये आप क्या कर रहे हो, देश के टुकड़े हो जाएंगे, ऑलराइट, आप क्या मांग रहे हो, आप तो पार्टीशन मांग रहे हो, ओके, ये कैसे करोगे? मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल एब्सोल्युटली डटे रहे, बोले ना मैं किसी हाल में नहीं दूंगा, मुझे चाहिए एक सेपरेट पाकिस्तान। इन अदर वर्ड्स, एक डोमिनियन क्यों बना रहे हो, दो डोमिनियंस बनाओ। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना रहे हो, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनना चाहिए, दो कॉन्स्टिट्यूशन बनने चाहिए। क्रिप्स मिशन इस जगह पर आकर अटक गया। क्रिप्स मिशन ने दोबारा दोहराया कि देखो हमारे पास जो ऑफर है, जो हमें सरकार ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको ये ऑफर देने को तैयार हैं, आपको हम डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं, बस शर्ते कि आप दोनों अग्री करो। अगर आप दोनों अग्री नहीं करोगे तो हमारा ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस स्टेप को पीछे लेने की बात कर रही थी, ना नेहरू जी ना गांधी जी इस बात को एग्री करने वाले थे कि जी दो नेशन बने, और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को मानने को तैयार थे कि भैया हमें सेपरेट पाकिस्तान ना मिले। वो बोले कि क्या यार मेरे को तो दो ही चाहिए। इन अदर वर्ड्स क्रिप्स मिशन फेल्ड। ओहो, सो 1935 से आकाश से गिरे और पेड़ पे अटके। इन अदर वर्ड्स क्रिप्स मिशन आ भी गया था, प्रिंसिपली एक्सेप्टेंस जो ऑगस्ट ऑफर की थी उसको फॉर्मलाइज करने के लिए आ भी गया था, लेकिन बात जमी नहीं। और महात्मा गांधी अपने और आधा इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी जगह पर और मुस्लिम लीग अपनी जगह पर अड़ी रही एंड क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ठीक इसके बाद महात्मा गांधी को बड़ी नाराजगी हुई। महात्मा गांधी का सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त था। महात्मा गांधी बोले या उनका थॉट प्रोसेस ये था, बॉम्बे सेशन में ये फैसला किया गया कि जब ऑगस्ट ऑफर दिया गया था, अब ध्यान से सुनना, जब 1940 में ऑगस्ट ऑफर दिया गया था, जब ये बोला गया था कि ब्रिटिशर्स ने कि तुम हमारा साथ दो, तुम हमें वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करो, तब तो ये बड़ा अनकंडीशनल ऑफर था, तब तो ऐसी बात कोई नहीं बोली गई थी। तब तो लॉर्ड लिनलिथगाओ आया और लॉर्ड लिनलिथगाओ ने बोला कि भाई आओ, ऑलराइट, हमें सहारा दो, हमें मदद करो, और हम तुम्हें जैसे ही वॉर ख़त्म होगा हम उसी टाइम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। मुंह जबानी तो तभी एक्सेप्ट हो गया था। जब क्रिप्स मिशन भेजा गया तो ये अचानक कंडीशन कहाँ से आ गई, ये नया नया ड्रामा कहाँ से आ गया कि भैया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मानना चाहिए या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात सहमति होनी चाहिए। ये सब बेकार का टाइम पास कहाँ से है। इसका मतलब है कि एक हिडन एजेंडा है, एक हिडन एजेंडा है कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली अपना वादा निभाना नहीं चाहते। और देखा जाए तो गांधी जी की ये बात बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे, अब बहुत वर्षों के बाद हमारे पास डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमको ये साफ दिखाई देता है या साफ पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास, उन लोगों के पास ये स्टेप था, उनके पास मौका था that they could have given us the dominant status at that time, but वो सही मायनों में इस क्राइसिस को और ज़्यादा ख़राब करना चाहते थे। And there are many internal memos in between the Britishers कि they were discussing कि ये मामला जितना लंबा खींचा जा सकता है खींचा जाए, alright, और फिर से ये इनका बड़ा पुराना रूल है, divide and rule वाला। And that is why गांधी जी became very very angry, और गांधी जी ने एक नारा दिया जो कि actually 9th August 1942 को स्टार्ट हुआ, और वो नारा था डू और डाई। इन अदर वर्ड्स करो या मरो। इन अदर वर्ड्स ये वो एक सिचुएशन आ गई कि अब तो ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल एकदम लड़ाई होनी ज़रूरी है, बिकॉज अभी अगर लड़ाई नहीं हुई, अभी हमने डू और डाई नहीं किया, अभी हम लोगों ने करो या मरो नहीं किया, ये गेम कभी भी हमारे हाथ में नहीं आएगी। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्राई ऑफ रेवोल्यूशन और द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो गांधी जी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो तुम इसको रिलेट कर सकते हो, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुम रिलेट कर सकते हो विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को तुम रिलेट कर सकते हो विद क्रिप्स मिशन। 1942 का ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और तुम्हें मालूम होगा वर्ल्ड वॉर 2 आते आते 1945 हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ हद तक सक्सेसफुल भी था, कुछ उसमें क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन वो एक्चुअली उस पॉइंट को जबरदस्त हिट कर गया जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया थे। द इकोनॉमिक रीजन, ब्रिटिशर्स यहाँ पे पैसे के लिए थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से पैसे चाहिए था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ठीक उनकी वही रिक्वायरमेंट को हिट कर दिया, एंड वर्ल्ड वॉर 2 आते आते और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ब्रिटिशर्स की हालत चेंज होती जा रही थी। अब तुम इस सिनेरियो को देखो। सबसे पहले ये बात मानना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स वॉर जीत तो गए थे, वर्ल्ड वॉर 2 जीत तो गए थे, एलाइड फोर्सेस जीत तो गई थी, लेकिन आप ये भी मानोगे कि जर्मनी ने इनको जबरदस्त ब्लडी नोज दिया था। जर्मनी पूरा तबाह हो गया, लेकिन ये लोग भी तबाही से बहुत दूर नहीं थे। एक्चुअली पूरा का पूरा यूरोप ही तबाह हो चुका था, देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑन दिस पार्ट। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 कि अब तबाह होने का मतलब क्या होता है? तबाह होने का मतलब ये होता है कि अब यू आर हार्डली दैट मिलिटरी फोर्स जो, या फिर वो जिसको बोला जाता था एम्पायर है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये सब जो बातें होती थी, ये बातें अब कोई लॉजिक नहीं है, अब ये रेलेवेंट नहीं है. ब्रिटिशर्स वर नॉट, दे वर हार्डली वॉट वी थॉट और दे थॉट दे यूज टू बी. सो इन अदर वर्ड्स ये सारा सिचुएशन अब बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था. अब इस बात में देखो कि कितना चीज़ें दुनिया में मिरेक्युलसली हो जाती है, और वो मिरेक्युलसली कुछ इस तरह से हो जाती है दैट विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड की इस जीत का हीरो था. अगर तुम थोड़े बहुत भी उस ज़माने का हिस्ट्री पढ़ो या उस ज़माने की मूवीज़ देखो, द डार्क आवर, द लॉस्ट आवर, ऐसे ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है, चर्चिल करके मूवीज़ है, तुम्हें पता होगा इंग्लैंड तो क्या बोलते हैं ना, मौत के मुंह से बाहर आया था. जर्मनी ने करीब करीब उसको डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, देयर वाज हार्डली लेफ्ट ऑन दैट पार्ट. चर्चिल ने हाउएवर गैल्वेनाइज किया था, ही गैल्वेनाइज द एंटायर ब्रिटिश पॉपुलेशन, द ब्रिटिश फोर्सेस कि लड़ो, वी हैव टू फाइट ऑन लैंड, वी हैव टू फाइट इन एयर, वी हैव टू फाइट इन वाटर. ओके, ये चर्चिल स्पीच बड़ी खतरनाक देता था और वॉर हीरो हो गया था वो एक तरह से. अब इमेजिन क्या है कि लॉजिकली तुम दिमाग लगाओ कि जो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा है और उस प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हें बचा लिया 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर टू में, एंड यू कम आउट विक्टोरियस. लॉजिकल क्या है? लॉजिक ये है कि अगर ऐसा हो तो गारंटेड है कि जो भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो जब इलेक्शन में लड़ेगा तो वही जीतेगा. बिल्कुल बात है यार, इतना पॉपुलर है तो वही जीतेगा. लेकिन इलेक्शंस कितने फनी हो सकते हैं, इलेक्शंस कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, तुम्हें इसी बात से अंदाज़ा होगा कि चर्चिल 1945 में हुए इंग्लैंड में हुए जनरल इलेक्शंस को हार गया. व्हाट आर यू सेइंग? तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम इलेक्शंस को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो आज उनको है ना बार बार जाके 1945 का ये इलेक्शन दिखाना चाहिए. 1945 में चर्चिल कैसे हारा, ये आज तक जो इलेक्शन के प्रेडिक्शन पंडित्स हैं वो सोच सोच पछताते रहते कि भैया पता नहीं क्या हुआ था कि चर्चिल इलेक्शन हारा कैसे. आइदर वेज चर्चिल इलेक्शन हार गया, और जब चर्चिल इलेक्शन हार गया तो कंजर्वेटिव पार्टी जो चर्चिल थी, ओके, वो टोरीज जिनको वहाँ पे बोलते हैं, ही दे लॉस्ट. और जो पार्टी जीत गई वो जीत गई लेबर पार्टी. मेरे को लगता है सर लेबर पार्टी को खुद को भी नहीं अंदाजा था वो जीत जाएगी, लेकिन जीत गई. और लेबर पार्टी में जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बना, वो एक प्राइम मिनिस्टर बना, उसका नाम था क्लेमेंट एटली. क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन गया. क्लेमेंट एटली पहले तो चर्चिल जितना कलरफुल नहीं था, चर्चिल जितना पावरफुल भी नहीं था, चर्चिल जितना रिस्पेक्टेड भी नहीं था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. लेकिन द सिचुएशन हेयर इज कि एटली का, जो मेरे से मतलब है, मुझे क्या मतलब है इंग्लैंड में वो पॉपुलर है या नहीं, जो इंडिया से मतलब है कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, कॉलोनियलिज्म, ये एटली को अच्छा नहीं लगता था. ओहो, दुनिया बदलने वाली थी. इस दौरान एक छोटा सा मैं डिटोर तुम्हें ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका ने, यूएसए ने इंग्लैंड का साथ दिया था. एक एटलांटिक चार्टर साइन किया गया था बिटवीन द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ ऑल अलाइड पावर्स. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन है, वो भी कोइंसिडेंटली 15 अगस्त को ही साइन किया गया था, बट वे बैक इन 1942, ओके 41 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो जो एटलांटिक चार्टर था, उस एटलांटिक चार्टर के अनुसार अमेरिकन ने ये बात कन्फर्म कर दी थी और ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि अगर हमें तुम्हें चाहते हो कि अमेरिका तुम्हारे तरफ से लड़े, यानी कि एलाइड पावर से लड़े, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू जीतोगे या फिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, तुमको सारे कॉलोनीज को आज़ाद करते रहना शुरू करना है. इन अदर वर्ड्स एक वर्ड यूज़ किया गया था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक तरह से ब्रिटिशर्स ने वादा किया हुआ था, और अब आया एटली. अब देखो कितनी सारी चीज़ें हो गई. नंबर 1 क्विट इंडिया मूवमेंट, नंबर 2 वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कमजोर हो गए, नंबर 3 चर्चिल हार गया, नंबर 4 एटली जीत गया, और नंबर 5 अमेरिका का प्रेशर, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. 1 2 3 4 5 कितनी सारी चीज़ें अचानक साथ में हो गई, और अचानक इंडिया के डीकोलोनाइजेशन या फिर इंडिया की इंडिपेंडेंस के कुछ रास्ते खुलते हुए दिखाई देने लग गए। सो स्टोरी चेंज होते हुए तुम्हें अब नोटिस हो रहा होगा। इसी दौरान एटली ने भेजा ऑन 15 मार्च 1946, एटली ने वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उसने वही बात बोली जो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यानी कि अमेरिकन ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस करवाया था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इस इरादे से कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, राइट, ये एटली ने भेजा व्हाट इज कॉल्ड एज द सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। तो सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 इसी इरादे से आया कि भैया बहुत हो गया, अब तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। इसको तुम प्लीज डोंट इग्नोर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इस सब पॉलिटिकल प्रेशर के पीछे एक अननोन तो नहीं है, नोन है बट नॉट सो इजीली सेलिब्रेटेड, एक बहुत बड़ा इवेंट था। इन्हीं दिनों इंडियन नेशनल आर्मी INA ट्रायल चल रहा था, जिसको कि रेड फोर्ट ट्रायल बोलते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे सोल्जर्स के खिलाफ म्यूटिनी यानी कि बगावत का केस चल रहा था। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि उस टाइम पर ये इंडिया में कितना बड़ा इमोशनल फैक्टर था। इंडिया में इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत ज़बरदस्त इमोशंस थे। सैड पार्ट ये है कि हमने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था। जब INA ट्रायल चल रहा था तब उस टाइम पर इंडिया में एक बड़ा ज़बरदस्त एंटी ब्रिटिश इमोशन चालू हो गया था और इनफैक्ट अब ये करीब करीब ऑफिशियली अनाउंस है कि इंडियन नेवी में ऐसा खबरें आने लग गई थी कि म्यूटिनी हो जाएगी, बगावत हो जाएगी, और ये चीज़ अब बहुत सारी जगह पे कन्विंस है, राइट। इनफैक्ट एटली ने बाद में बहुत सारी जगह पे डॉक्यूमेंट्स में इसको एक्नॉलेज भी किया कि एक प्रेशर ये भी था कि कहीं ब्रिटिश फोर्सेस और अदर ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी एंड द नेवी उस टाइम पर कहीं अपने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इस टाइम पर बगावत ना कर दे, और उनको बड़ा डर लग रहा था। उनको याद आ रहा था वो पुराना वो डर जो 1857 में हुआ था जब मंगल पांडे ने किया था। तो जब मंगल पांडे ने किया था वो तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड था, थोड़ा सा लोकलाइज था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर पूरी की पूरी एक वेल फोर्स आर्मी नेवी एक साथ अगर म्यूटी नहीं करते तो ब्रिटिशर्स तो ऐसे ही कमज़ोर हुए पड़े। सो वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जिसको ज़्यादा लोग रिकोगनाइज नहीं करते या फिर रिकोगनाइज भी करते लेकिन उसको इतना सेलिब्रेट नहीं करते, इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ INA ट्रायल। तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। सेकेंड कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया और सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 में उन्होंने फिर वही ऑफर दिया कि लो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। अब तुम्हें एक डाउट आएगा कि सर मोहम्मद अली जिन्ना तो वहीं बैठा हुआ था। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को ये कन्विंस किया गया कि आप ना इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने दो, क्या पता तुम ही जीत जाओ, क्या पता तुम ही पूरा जीत जाओ, और हो सकता है तुम्हें एक छोटा सा पाकिस्तान की जगह पूरा का पूरा इंडिया मिल जाए। मोहम्मद अली जिन्ना उन बातों में आ गया। एंड देयर कुड हैव बीन सेवरल अंडर बैकग्राउंड अरेंजमेंट बिटवीन द ब्रिटिशर्स। आइदर वेज ये हुआ और हमें मौका मिला। जून ऑफ 1946 में, जून जुलाई ऑफ 1946 में बाय एन इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन शुरू हुए। इनडायरेक्ट यानी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इलेक्ट करना स्टार्ट किया और ये इलेक्शन होने स्टार्ट हुए। बहुत बड़ा दिन आया यार, इतने सालों के बाद, सदियां गुजर गई ये स्ट्रगल करते हुए। और इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए। राजाओं ने यानी कि प्रिंसली स्टेट्स ने फैसला किया कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, जो भी हम मेंबर्स भेजेंगे हम नॉमिनेशन करेंगे, हम नामांकन करेंगे और नॉमिनेशन के अनुसार हम भेजेंगे। जिस बात पे हमने काफ़ी अपोज भी किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपोज भी किया, लेकिन हमने बोला चलो यार जो हो रहा है वो तो होने दो, एंड दैट इज़ द रीज़न। सो उस टाइम पर जो इलेक्शंस हुए वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि as per the number of members or number of citizens या number of people that आपके पास number of seats होगी. उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली समवेयर टू द ट्यून ऑफ 39 करोड़ थी. फैसला ये किया गया कि 10 लाख इंडियंस के लिए एवरी 10 लाख इंडियंस के लिए एक सीट होगी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 10 लाख इंडियंस के लिए अगर एक सीट होगी तो ऑन एन एवरेज 389 सीट्स का प्रोविजन हुआ, जिसमें से 93 आ रहे थे बाय नॉमिनेशन बाय द प्रिंसली सेट्स. बाकी बचे वो 296 में 4 सीट्स जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे वो अलग थे और बाकियों का इलेक्शंस हुआ. जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो इलेक्शंस का मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि रिजल्ट्स आया 208 टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 टू मुस्लिम लीग और 15 टू अदर्स. बाकी 93 नॉमिनेशन से थे. सो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस थे. बाप रे बाप, that practically 70% of the entire numbers, और Muslim League was completely out of the picture. And that is why Constituent Assembly में Muslim League boycott कर गया, बोला ना हम नहीं participate करेंगे, क्योंकि उनके तो सपने कुछ और थे. And finally 9th December 1946 को उस जगह पे जहाँ आज हमारा पार्लियामेंट हाउस है, इंडिया की पहली Constituent Assembly का फर्स्ट डे हुआ. सो 9 दिसंबर 1946 वो बड़ा दिन था जब इंडिया फाइनली अराइव्ड टू फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड उस दिन हमारा फर्स्ट सेशन हुआ. 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ. आपको जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिख रही होगी वो जवाहरलाल नेहरू है एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 13 दिसंबर 1946 की पिक्चर है. 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, कि क्या सोच समझ के, क्या बना के, क्या प्लान से, क्या इरादे से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चलेगी, क्या बनाएंगे हम लोग, किस तरह से हम ये सिचुएशन को बनाएंगे, कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, किस तरह का देश बनना चाहिए, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए. यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस हुआ, आगे जाके 22 जनवरी 1947 को अल्टीमेटली पास हुआ. 22 जनवरी 1947 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अडॉप्ट हुआ, वहाँ से हमने स्टोरी स्टार्ट की और फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद या फिर 17 दिन के बाद हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, जब हमने प्रियम्बल पे लिखा ऑलराइट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic. is socialist and secular baad mein aaya, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. jo aapko color photograph dikh rahi hai वो एक्चुअली वो है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है. तो उससे पहले बेनेगल नरसिंह राव, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया. ये जो फोटोग्राफ है ये पार्लियामेंट हाउस में एक तरह का रेप्लिका जैसा या एक यादगार के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है. जस्ट टू रिमाइंड अस, इसी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनली दे स्टीयर्ड द वे टू फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के वन ऑफ द मेंबर्स वाज के एम मुंशी सर. सो आज का ये वीडियो उन्हीं के रिकॉग्निशन में, आज उनका बर्थडे था, इन द सेंस उनकी वर्षगांठ थी और आज मैंने ये प्रोसेस तुमको बता दिया. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी, एक तरह से देखा तो पूरी दास्तानी सुना दी. ऑलराइट, ऑल द वे फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल के चंगुल में डाल के रखा और कितने स्ट्रगल के बाद फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. And this is something that we should all cherish and we should respect, and this is what is the message of this video. So I hope अगर आप लोग समझ रहे हो कि मैं इस वीडियो में विदाउट एनी 1-to-1 इंटरेक्शन मैं तुम्हारे साथ मैसेज कन्वे कर सकता हूँ, तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कैन बी पॉसिबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लस क्लासेस ऑफ अनअकैडमी। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, you will get an immediate 23% off on all Unacademy UPSC Civil Service Examination subscription, 23% off है for everything, चाहे वो आप plus classes लो, चाहे आइकॉनिक classes लो, 18-month course लो, 12-month, 6 months, whatever, please take your call on this part. I think it is a glorious opportunity. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.